तो नाउ वी विल लर्न अबाउट आई सी टूल्स फॉर ई सी के बहुत से टूल्स हैं जो हम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कम्प्यूटर हैं अब कम्प्यूटर में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एजुकेशनल गेम्स हो सकती हैं बच्चे उसमें छोटे छोटे अपने लिए uh, ऐसे लिख सकते हैं पिक्चर से uh, 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 इस्ता कर सकते हैं वीडियोज़ देखते हैं तो कंप्यूटर तो एक बड़ी जामे और ऐसी चीज़ है कि जिसमें से बहुत सी चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं लेकिन ज़ाहिर है कंप्यूटर से रिलेटेड भी हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे डिजिटल कैमरास एंड डिजिटल वीडियो कैमरास तो उसमें यह है कि आ, हमारे जो उस हैं अगर वो ख़ुद से कोई वीडियो तैयार करना चाहते हैं और वो ख़ुद से कोई अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट की कोई पिक्चर्स लेना चाहते होंगे और इनपुट डिवाइसेस के तौर पर वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है तो ये भी फायदा मंद होंगी देन क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनका इंतख्या पेरेंट ने करना है और अर्ली चाइल्ड हुड टीचर्स ने करना है कि वो सॉफ्टवेयर बच्चे यूज करें मुख्तफ सब्जेक्ट सीखने के लिए जैसे लैंग्वेज के कुछ लैंग्वेज में वो वर्ड्स बोलते हैं बच्चे इमिटेट करते हैं वो वर्ड बोलते हैं तो पिक्चर जो है वो इवॉल्व होती है स्क्रीन के ऊपर तो इस तरह से इसी तरह साइंस की कुछ छोटी छोटी सम्यूलेशन हैं कि वो जो साइंस के जो प्रोसेस हैं मैटर के बारे में या कुछ और तो वो अपने सामने होता हुआ देखते हैं तो ऐसे सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर सकते हैं जिनके ज़रिए बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस uh, करें बार बार अपने कॉन्सेप्ट की और उनको सीख पाएं आ, उसके बाद इंटरनेट है इंटरनेट चूँकि एक रेडी रेफरेंस है किसी भी चीज़ के बारे में कोई सवाल करना है कुछ मालूम चाहिए या फौरी तौर पर कोई वीडियो चाहिए या कोई और इस तरह के रिसोर्सेज चाहिए तो इंटरनेट पे मौजूद हैं ये एक सोर्स है आईसीटी का और ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है छोटे बच्चों की तरबियत के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम सब इस बात को जहन में रखेंगे कि इट शुड बी यूज गाइडेड हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स इसको अपने गाइडेंस में इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पे काम किया जाएगा जो हार्मलेस है दैन अभी सी टेलीफोन फैक्स मशीन्स मोबाइल्स टेप रिकॉर्डर्स ये सारे इनपुट डिवाइस के तौर पर या रिमोट uh, जो आपके कम्यूनिकेशन हैं उनके लिए यूज़ होते हैं इंटरक्टिव स्टोरीज कम्प्यूटर गेम्स अब ऐसी भी तो लैंग्वेज uh, की ऐसी प्रैक्टिस आ गई हैं कि बच्चे उसमें अपनी तरफ से करेक्टर भी ऐड करते हैं ऐसी uh, स्टोरीज uh, छोटी छोटी गेम्स हैं ना जिसमें कैरेक्टर होते हैं और बच्चे uh, उनके पीछे डबिंग करते हैं और वो स्टोरी खुद भी बना लेते हैं और उस स्टोरी को मैनेज भी करते हैं और फिर बहुत सी कंप्यूटर गेम्स बेशुमार अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इज द बल्क ऑफ गेम्स और बल्क ऑफ नॉलेज उसमें से लेकिन आपने खास चीज़ें सेलेक्ट करनी हैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो बच्चों पे ज़्यादा कॉग्निटिव लोड भी नहीं डालें और वो शॉर्ट टर्म हों और शॉर्ट टर्म का एक मतलब तो यह है कि वो गेम ही छोटी हो फौरी तौर पर उसके वो हल होती जाए और दूसरा यह है कि उसको ज़्यादा देर तक बच्चे यूज़ भी नहीं करें एक तो वो छोटी सी तिशनगी जो रह जाती है वो मजबूर करती है बच्चे की अटैचमेंट बनाती है टेक्नोलॉजी के साथ और दूसरा ये कि फिर उसको बाकी वक्त के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी तो चाहिए उस तब भी हमें इसको लाना है सो प्रोग्रामेबल टॉयज एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज तो कुछ ऐसे भी टॉयज भी हैं जिसको हम रोबोटिक्स के ज़िबन में भी ला सकते हैं जो कंट्रोल होते हैं उनको आ, हम कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल करते हैं और बच्चे उनसे भी सीखते हैं कुछ मूवमेंट्स हैं कुछ फिज़िक्स है, के असूल हैं साइंस के हैं या वैसे ही प्ले के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अब ऐसे भी कोई रिसोर्स जो हमसे दूर हैं अब वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से दूर नहीं है तो अगर हम बच्चे को आ, किसी बड़े अच्छे रिसोर्स के साथ बातचीत कराना चाहते हैं या किसी और स्कूल के साथ हमने कलेबोरेट किया हुआ है तो उनके क्लासरूम और अपने क्लासरूम को हम अपनी जगह पे कलेबोरेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सो टेक्नोलॉजीज एंड क्लोज सर्किट टेलीविजन भी हैं जहाँ पे आप ज्यादा गाइडेंस और ज्यादा मॉनिटरिंग के साथ बच्चों को आईसी से जो है वो मुतारफ करा सकते हैं देन डेटा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड एक्सेट्रा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चों को इलेक्ट्रॉनिकली भी सिखाती हैं जैसे आ, जो दुनिया के अंदर डिफरेंट पैंडमिक्स या इस तरह का कोई अगर दौर रहा हो तो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बिल्कुल टॉडलर से और प्री स्कूलर से शुरू हो गई तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल छोटे बच्चों को ना आता होता तो वो किस तरह से उसमें उस फेज में से गुजरते इसलिए ये तो अब ज़रूरी हो गया है हमारी ज़रूरत है मुल्कों की ज़रूरत है माशरे की ज़रूरत है लेकिन इसको अगर हम ठीक डायमेंशन में रखेंगे और इसका सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और इसके नुकसान से बचेंगे और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का नहीं होगा अनटिल अनलैस के वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज़ जो खुद से वो बना रहे हैं तो फिर आपने उस देखना है कि क्या उनको करने देना है और कब तक करने देना है और फिर उसके बाद उनको फिजिकल एनवायरनमेंट की कितनी ज़रूरत होगी जहां वो कुछ नेचर में खेलें कूदें जाएं और अपने हाथ पाँव सीधे करें और जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें जहाँ वो अपने स्कूल पियर्स के साथ इंटरेक्ट करें तो हमें जैसे हमने कहा था कि अर्ली चाइल्डहुड में गोशों में उनको हम आ, कुछ मखसूस वक्त देते हैं इसी तरह टेक्नोलॉजी के लिए भी हमने उनको मखसूस वक्त देना है उससे ज़्यादा नहीं ये बच्चों के रूल्स में शामिल होना चाहिए